बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत किसी न किसी वजह से लाइमलाइट में बनी रहती हैं। फिलहाल एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। दरअसल राखी और उनके एक्स हस्बैंड आदिल दुर्रानी जमकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। राखी सावंत ने हाल ही में अपने अलग हो चुके पति आदिल खान दुर्रानी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर किया था। इन सबके बीच अब राखी एक नए लुक में स्पॉट हुई है और उन्होंने अपने नए लुक की वजह का खुलासा भी किया है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीटी एंटरटेनमेंट चैनल और मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका। देखिए, दरअसल राखी सावंत एक पार्लर के बाहर स्पॉट की गई थी। इस दौरान राखी सावंत छोटे छोटे बालों में नजर आई हैं। इस दौरान मीडिया और फोटोग्राफर से बातचीत में उन्होंने खुलासा किया है कि उन्हें अपने बाल जो हैं वो क्यों कटवाने पड़े। जी हाँ, राखी ने कहा है कि मैं अपने बाल छोटे नहीं कराना चाहती थी, लेकिन मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि टेंशन की वजह से मेरे बाल झड़ने लगे थे। एक्ट्रेस ने अपने खूबसूरत बाल खोने के लिए आदिल खान को दोषी माना है। राखी ने कहा कि वह इमोशनली बहुत ज़्यादा टूट गई हैं और उन्होंने डिप्रेशन में होने और आदिल की वजह से अपने दोस्तों और सारे पैसे खोने के बारे में भी खुलकर बात की है। इतना ही नहीं, राखी के साथ इस दौरान शर्लिन चोपड़ा भी नजर आई। राखी ने आगे कहा कि मैं उमराह करके आई थी और मेरी बहन, मेरी दोस्त मेरे पास आ गई है। हमारी 8 साल की दोस्ती थी। राखी आगे कहती है कि मेरे पास वेब सीरीज़ और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और मेरे नए नुकसान की वजह से सब कुछ प्रभावित होगा, यानी कि अफेक्ट उस पर बहुत साफ सुथरा जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन आदिल ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। उसने मेरे सभी दोस्त, पैसे और सब कुछ ले लिया है। मैं महंगी कारों में घूमता था, लेकिन अब मुझे ऑटो में सफर करना पड़ता है। राखी ने ये भी कह दिया कि आदिल खुद एक शानदार लाइफ एंजॉय कर रहा है और महंगी कारों में घूम रहा है, लेकिन यहाँ मैं उसकी वजह से कष्ट सह रही हूँ। इसके बाद उन्हें एक ऑटो में जाते हुए भी जो है वीडियो में स्पॉट किया गया है। और भी ऐसी वीडियोज को देखने के लिए आप जरूर जीबीटी एंटरटेनमेंट चैनल के साथ। नमस्कार।